अगली खबर आ रही है भिंड से, जहां प्रेम प्रसंग के कई चौंकाने और हैरान करने वाले किस्से आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन एक प्रेमी जोड़े ने तो हद ही पार कर दी। प्रेमी खुद को अपनी शादीशुदा प्रेमिका की बुआ का बेटा बताकर उसके ससुराल पहुंच गया। जब इस मामले की पोल खुली तो बवाल मच गया। मामला मध्य प्रदेश के चंबल इलाके का है। प्रेमी की उम्र 17 साल है, वह नाबालिग है, जबकि प्रेमिका 28 साल की है। प्रेमी खुद को प्रेमिका की बुआ का बेटा बताकर उसी के ससुराल में उसके साथ इश्क फरमा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क छिपाए नहीं छिपता। ससुराल वालों को जब 3 दिन बाद सच पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर क्या था, उन्होंने लड़के को बंधक बना लिया, साथ ही लड़के के पिता को खबर कर दी। नाबालिग प्रेमी के पिता दामाद और बेटे के दो दोस्तों के साथ उसे छुड़ाने पहुंचे, तो प्रेमिका के ससुराल वालों ने उन्हें भी बंधक बना लिया। उन्हें छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड कर दी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि गोरमी और सिहोनिया से 5 लोगों का अपहरण किया गया है। पुलिस हरकत में आई और बंधकों को छुड़वाया। इस दौरान पता चला कि यह मामला तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। लड़का मुरैना का है और उसकी शादीशुदा प्रेमिका भिंड की है। महिला अपने पति की दूसरी बीवी है। उसके पति की उम्र 45 साल है। दोनों के 7 और 5 साल के 2 बेटे हैं। अब जानते हैं कैसे हुआ मामले का खुलासा। नाबालिग लड़का मुरैना के छत का पूरा गांव का रहने वाला है। उसके भिंड जिले के गढ़ी हरीक्षा की रहने वाली विवाहिता से फोन पर नजदीकी बढ़ी। प्रेमिका का पति बाहर रहकर काम करता है। 21 अक्टूबर को उसका नाबालिग प्रेमी बुआ का बेटा बनकर उसके ससुराल पहुंचा। 2 दिन से रह रहे लड़के की हरकतों पर ससुराल वालों को शक हुआ, तो उन्होंने उससे नाते रिश्तेदारों के बारे में बातचीत की। वह ठीक जवाब नहीं दे सका। 23 अक्टूबर को सख्ती की तो सारा सच सामने आ गया। पहले ससुराल वालों ने पीटा, फिर भाई ने बंधक बनाया। घर वालों ने प्रेमिका के पति और लड़के के पिता को सूचना दी। पति घर आ गया। इधर लड़के का पिता दामाद और बेटे के 2 दोस्त को लेकर गोरमी आया, जिसके बाद प्रेमिका के ससुराल वालों ने सभी को जमकर पीटा। इसके बाद प्रेमिका के भाई को बुलाया। वह बहन, नाबालिग, उसके पिता, जीजा और उन्होंने दोस्तों को गाड़ी में डालकर जौरा ले गया। वहां सभी को बंधक बना लिया। नाबालिग लड़का और उसका जीजा प्रेम सिंह दोनों के साथ बाकी के 3 लोगों को भी पुलिस ने 25 अक्टूबर की शाम मुक्त कराया। बंधकों में नाबालिग के 2 दोस्तों में से एक अशोक भी था। 24 अक्टूबर की सुबह उसके पिता रामवीर सखवा के पास कॉल आया। कहा गया, बेटा सही सलामत चाहते हो तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। पुलिस ने बताया कि रामवीर ने बेटे के किडनैप होने की सूचना दी। बताया कि 23 अक्टूबर की सुबह बेटा घर से निकला था। पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन पता की तो जौरा की आई। जांच में पता चला कि अशोक के साथ 4 अन्य लोग को भी उठाया गया है। भिंड SP सैलेन सिंह चौहान ने मुरैना पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर 25 अक्टूबर की शाम रुनीपुरा रोड पर भारत रजक के मकान से सभी अपहरण हुए लोगों को मुक्त करा लिया। पुलिस ने बंधक बनाने वाले भारत रजक, राजेश कुशवाहा, भीमक कुशवाहा निवासी जौरा और ब्रिजराज सिंह कुशवाहा निवासी खुर्द जौरा के खिलाफ अपहरण और डकैती की धाराओं में केस दर्ज किया है। मुरैना के सिहोनिया थाना अंतर्गत छत का पूरा निवासी 17 साल के लड़के की शिकायत पर भी FIR हुई है। उसने बताया कि वह गढ़ी हरीक्षा गाँव में महिला से मिलने गया था। गांव के मुलू कुशवाहा, कृष्ण गोपाल, परशुराम लला, सूरज कुशवाहा ने उसे पकड़ लिया, मारपीट भी की। आरोपियों पर मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जोरा थाने से भारत लेकर उनको गिरफ्तार किया, जो कि जोरा थाने अंतर्गत जोरा में मिले, और यहां से दोनों बंधकों को, चारों बंधकों को मुक्त कर दिया गया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।